आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हमने कुछ बोला। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हुए तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ। अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तो फिर रेड क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर कल एक साथ ईडी ने रेड किया। लैंड फॉर जॉब के मामले में न सिर्फ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर रेड हुई, बल्कि लालू यादव के बेटियों के घर, 3 बेटियों के घर भी ईडी ने छापे मारे। और देखिए, इसके बाद से ही बयानबाजी जारी है। देर रात लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर इस ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुत्र वधू जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके बेटियों को परेशान किया जा रहा है, नन्हे मुन्ने नातियों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, लालू यादव के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया और अपनी बातें रखी। तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं और उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई चल रही है, लालू यादव के परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने वाली है। लेकिन ये कार्रवाई तब हो रही है बिहार में जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हो गए हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब जब वो महागठबंधन में आते हैं तब ये रेड शुरू हो जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ करे सीएम नीतीश, जरा वो सुनिए। रेड पड़ा है आज, फिर समन जारी किया गया, क्या करना, जो कर रहा कर रहा, आज जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना। आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हुए तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ। अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, मैं 17 साल पहले से रेड हो रहा था तब फिर हो रहा था, कौन चीज कर रहा, क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो सर, नौ दलों के पत्र में सर आपने समर्थन नहीं किया, जो सीबीआई ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह के नहीं नहीं कोई कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए, हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो इच्छा, हम तो यह काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए वहां सामने भी है, कहां कहां गए, कितना जगह घूम कर गया, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाए। तो एक राउंड हम बात करके कराए हैं, ज्यादा करना बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा जीत के लिए कहाँ कहीं जाने का भी जरूरत, हमको उससे मतलब है। जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है तो सब मिलकर के सारा काम कर ही, ठीक। गठबंधन बदलने की बात भी चल रही है सर, कहाँ गठबंधन बदलने, हम नहीं है कमलेश है यहाँ, देखिए मेरा फ्रेंड, देखिए अभी तक आप जो कह रहे हैं देखिए। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, लालू के ठिकानों पर ईडी की रेड पर नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान कि वो महागठबंधन में आए हैं, इस वजह से ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, 5 सालों में क्यों नहीं हुई। देखिए, नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, साथ ही साथ जो सवाल उठ रहे थे कि नीतीश कुमार अब फिर से गठबंधन बदलने वाले हैं, महागठबंधन छोड़ बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है वो कहीं नहीं जा रहे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की